हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार बोला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने इसे बचकाना हरकत करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को और कुछ नहीं मिला तो वे बचकानी हरकतें करने लग पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जय शाह ने मानहानि का दावा पहले भी किया है और इससे पता चलता है कि वे साफ और ईमानदार हैं। बिल्कुल बचकाना आरोप है और कांग्रेस को मुझे लगता है जब कुछ और नहीं मिला तो ऊंची हरकतों पर उतर आई है। कमोडिटीज मार्केट में इतनी टर्नओवर होना बहुत सारे लोग देश में होंगे जिनकी होती होगी, इसलिए कोई लेजिटिमेट बिजनेस भी करता है उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कांग्रेस के एक भी नेता में दम नहीं था कि वो मानहानि का केस कर सकते। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने मानहानि का दावा पहले दिन किया है, 100 करोड़ रुपये का किया है। इसी से पता चलता है कि वो साफ हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर रहे थे। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले सोलन में लाइट फेस्टिवल में पहुंचे भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी के अपनी ही पार्टी बीजेपी सरकार पर मोर्चा खोले जाने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ लोगों की आदत है कि ऐसे बयान देकर सुर्खियों में रहना। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों से कोसों परे हैं। देखिए, कुछ लोगों की आदत केवल ऐसे बयान देकर मीडिया में बने रहने की है, उससे ज़्यादा ना उनकी कोई वैल्यू है ना ऐसे विचार जो वो रखते हैं वो तथ्यों से बहुत दूर हैं, परे हैं। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य के बयान पर पलटवार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपनी पार्टी की चिंता करें और बीजेपी के नेता की चिंता छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि केवल सीएम घोषित करके प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सकती है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि जनता को गुड़िया हत्याकांड भ्रष्टाचार का जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है वो अपनी पार्टी की चिंता करें और अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार के केसेस है उसकी चिंता करें। प्रदेश को लूट कर खोखला कर दिया, जो माफिया राज यहाँ पर है उसका जवाब उनको देना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो केवल एक मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके अपनी पार्टी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन बातों का तो उनको जवाब देना पड़ेगा, गुड़िया हत्याकांड का, होशियार सिंह हत्याकांड का और बाकी भी जो उनके विषय आए हैं उनको लेकर भी उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है।